जय श्री राम। मैं विनायक पंडित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी का छात्र हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज इनकी जयंती पर हम कुछ आपको एक कहानी बताना चाहेंगे जो हमारे लिए प्रेरणा सूत्र है। जैसे एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी व अपने मित्रों के साथ ध्यान मुद्रा में एक कक्ष में बैठे हुए थे। उसी समय सभी लोग ध्यान लगा रहे थे, परंतु एक सर्प कक्ष में प्रवेश करता है। सभी लोग अपने बालकपन की वजह से उठ के इधर उधर चले जाते हैं, परंतु स्वामी जी का ध्यान इतना एकाग्र था कि वह उसी पे अड़िग रहते हैं। करीब आधे घंटे बाद जब उनको सभी लोग बताते हैं कि इस कक्ष में एक सर्प आया था, तब उन्हें यह बात पता चलती है। इसी एकाग्रता की वजह से वह आगे चल के, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनका एकाग्र चित्र बहुत थे, इसी की वजह से वो एक घंटे में करीब 50 पेज की किताब आसानी से पढ़ लेते थे। यह सब उनकी एकाग्रता का ही कारण था। धन्यवाद।